फ्रेंड, प्रोटीन की जरूरत हमारे शरीर के कई पार्ट्स को सही से चलाने में होती है, जैसे मसल्स को मजबूत रखने में, शरीर में ताकत बनाए रखने में, मेटाबॉलिज्म रेट को संतुलित रखने में, रोजमर्रा के काम और व्यायाम में। दोस्तों, प्रोटीन हमारे बालों से लेकर हार्मोन, एंटीबॉडी, हीमोग्लोबिन और हड्डियाँ सभी के विकास के लिए एक बहुत ही जरूरी विकल्प है। जब भी कभी आपको अपने शरीर में अकड़न, पाचन में कमी, ध्यान का किसी काम में ना लगना, मूड का जल्दी जल्दी बदलना, चोट का देर से भरना, दिमागी सुस्ती होना या हमेशा शरीर में थकान रहने लगे, तो समझिए कि इसका कारण आपके शरीर में प्रोटीन की कमी भी हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको लगे कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है, तो आप इसे हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं। ये प्रोटीन की कमी को दूर करने का सही विकल्प है। लेकिन फ्रेंड, कभी भी शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आप प्रोटीन पाउडर को ना चुनें, क्योंकि इससे एक बार में शरीर को बहुत ही कम प्रोटीन मिलता है, जो कि हमारी किडनी और लीवर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च की तय मात्रा के हिसाब से प्रत्येक स्वस्थ भारतीय के शरीर के प्रति किलो पर 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन की रोजाना जरूरत होती है। यानी कि अगर आपका वजन 50 किलोग्राम है, तो आपको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम प्रोटीन ही रोजाना लेना चाहिए। दोस्तों, टीनेजर, खिलाड़ी, दूध पिलाने वाली माताएं और चोट लगने पर लोगों को इससे ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ जाती है। फ्रेंड, अपने शरीर में प्रोटीन का स्तर सामान्य रखने के लिए संतुलित खानपान इसका अच्छा स्रोत है। अगर आप शाकाहारी हैं, तो आपको अपने आहार में कई तरह की प्रोटीन युक्त चीज़ों का मेल करना पड़ेगा, जैसे कि अनाज, बीन्स की फली, दूध, चावल, दालें, अखरोट और मक्का का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप मांसाहारी हैं, तो आप प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं और अंडे को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अंडे को प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है और इससे मिलने वाले प्रोटीन की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए आप रोजाना एक अंडा खाकर भी शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, तो ये आपके लिए नुकसान का सौदा भी बन सकता है। अगर आपकी डेली कैलोरी का 30% से ज़्यादा प्रोटीन आपके शरीर में जाता है, तो ये शरीर में कीटोन को बढ़ा देता है, जो कि एक जहरीला केमिकल है। इस केमिकल को शरीर से निकालने के लिए मानव शरीर को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा मात्रा में मीट से प्रोटीन ले लेते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जिससे उन्हें हृदय रोग, स्ट्रोक और कैंसर का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।